पढ़नी थी, हमें ये चीज पढ़नी थी कि अगर हमारा मान लो वोलेटाइल सॉल्वेंट है कोई, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है अगर लिक्विड कोई, अगर उसके अंदर हम क्या करें कि अपना वो डाल दे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे या फिर वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो चीज हमें पढ़नी थी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले लेके चलते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को। वोलेटाइल क्या होता है सर? वोलेटाइल होता है बेटा जिसके वेपर्स बन जाए इजिली, ठीक है। ओके सर, तो हम क्या है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं, मतलब जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, ठीक है, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। यानी मैंने सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लिया ही हुआ था, मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ सॉल्यूट भी क्या कर रहा हूँ वोलेटाइल डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज है। तो देखो अब देखो जरा क्या रहता है, अब हम बात करेंगे कि जब दोनों सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है वोलेटाइल हो जाएंगे, तब हमारी क्या उसमें क्या वेपर प्रेशर में रहेगा वो हम समझते हैं। देखो अब मुझे पता है कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, ठीक है, दोनों जो लिक्विड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वेपर्स बनाएंगे हमारे, ठीक है, हाँ वो हमारे क्या करेंगे वेपर्स बनाएंगे, जो भी दोनों है वेपर्स क्रिएट करेंगे वो हमारे। अब देखो अब जब वो वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अब वो जो वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं तो होगा क्या, अब जो वेपर्स बनेंगे वो क्या है लिक्विड से उठ के जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये लिक्विड लिक्विड का मिक्सर ले लिया, यहाँ पे मेरा ए लिक्विड भी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया बी लिक्विड भी है, ये भी है ए भी है और बी, दो लिक्विड है इसके अंदर, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एक हमने सोल्यूट ले लिया और एक सॉल्वेंट ले लिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों क्या है वेपर्स बनाएंगे, ठीक है, दोनों वेपर्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो गैसियस होगा यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे उसमें भी दो तरह की गैस होंगी, ठीक है, जो वेपर्स बनेंगे उसमें भी दो तरह की गैस होगी, वो कौन सी होगी, एक तो ए गैस के वेपर्स होंगे, मतलब ए के वेपर्स होंगे ए लिक्विड के, और एक क्या होंगे बी के वेपर्स होंगे, ठीक है, ए के वेपर्स होंगे और एक क्या होंगे बी के वेपर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कितने वेपर्स बनाएगा, ठीक है, कौन कितने वेपर्स बनाएगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा वो, कि अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए कितना है सॉल्यूशन के अंदर बी कितना है उस पे डिपेंड करेगा कि ए और बी के वेपर्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे राउल्ट्स लॉ पढ़ा था ना, सॉरी हेनरीज लॉ पढ़ा था, जहां पे वो बताता था कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या है मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऊपर उतना ज्यादा अंदर मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी वही चीज पढ़ेंगे हम, यहाँ पे बस उसको क्या है, अब जैसे वहां पे गैस इन लिक्विड के अंदर किसको किसने स्टडी किया था, हेनरी ने स्टडी किया था, यहाँ पे किसने स्टडी किया इसको, राउल्ट्स ने स्टडी किया है, और राउल्ट्स ने अपना एक लॉ दिया था, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेसिकली, देखो वो ये कहता है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर होगा, हमारा जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का या बी का, देखो मैंने क्या बोला ए और बी के वेपर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ए क्या करेगा, ए के वेपर्स भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और बी के जो वेपर्स है वो भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, यानी ए का प्रेशर भी लगेगा और बी का प्रेशर भी लगेगा, गैसियस फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, राउल्ट्स लॉ ने ये बोला था कि फॉर ईच वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, हर एक वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए क्या होता है इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट पड़ा है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब उसके लिए क्या फॉलो होता है, क्या लॉ फॉलो किया जाता है, कि जो जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। बताता हूं अभी इसका मतलब, बताता हूं क्या है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। देखो पहले तो पार्शियल प्रेशर समझते हैं क्या होता है, पार्शियल प्रेशर हम तब बोलते हैं जैसे मान लो मेरे मिक्सचर में क्या है दो तीन गैसेज है, ये ए गैस भी है यहाँ पे, बी गैस भी है यहाँ पे, सी गैस भी है, ठीक है, और ये नॉन रिएक्टिंग है मतलब आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। तो देखो ए का जो प्रेशर होगा मिक्सर के अंदर देख रहे हैं, ए गैस का प्रेशर हम मिक्सर के अंदर देख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर इसका। अगर सिर्फ अकेली ए गैस होती कोई मिक्सर नहीं था वहां पे, तो हम इसको क्या बोलते वेपर प्रेशर ऑफ प्योर गैस, ठीक है, ये बोल देते हम। फिर वहां पे पार्शियल, यहाँ पे हमने जैसे यूज कर लिया पार्शियल वेपर प्रेशर,
यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं टर्म, वेपर प्रेशर सिर्फ। ये चीज क्लियर हुई? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम किसी गैस का प्रेशर पड़ते हैं किसी मिक्सचर के अंदर, तो हम वहां पे पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जहां हमें क्या है बेसिकली, हम सिर्फ अगर मान लो अकेली गैस को पढ़ रहे हैं, कुछ और मिक्सचर में नहीं पढ़ रहे, अगर सिर्फ अकेली गैस को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम सिंपल वेपर प्रेशर लिखते हैं, पार्शियल वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो यहाँ पे देखो ए और बी के वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ पे मिक्सचर है, तो हमने इसलिए वर्ड क्या यूज किया, पार्शियल प्रेशर यूज किया। अब हमने क्या बोला, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, कि यहाँ पे जो देखो पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होगा, वेपर्स की वजह से। जैसे मान लो ए का अगर पार्शियल प्रेशर देखना है तो वेपर्स ऑफ ए की वजह से होगा। अब वो वेपर्स कितने बनेंगे डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन के अंदर ए कितना है। सोल्यूशन के अंदर ए ज्यादा हुआ, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ए का। सोल्यूशन के अंदर बी ज्यादा हुआ, वेपर्स बी के ज्यादा बनेंगे, ठीक है, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बी का, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल मोल फ्रैक्शन हो गया। बेटा किसी का भी अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर मान लो सल्यूट थोड़ा ज्यादा है, मतलब ऐसे सल्यूट कम ही होता है उसकी कंपैरिजन में, तो सल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो देखिए ना, कौन वोलेटाइल ज्यादा है कौन वोलेटाइल नहीं है, ठीक है, कौन वोलेटाइल ज्यादा है। अब मान लो सल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, तुमने क्या ले लिया, सल्यूट कम ले लिया, सॉल्वेंट ज्यादा ले लिया, तुमने ये एज्यूम किया, ठीक है, सल्यूट ज्यादा कम ले लिया और सॉल्वेंट ज्यादा लेते हैं जैसे हम, लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है ही नहीं है, सॉल्वेंट कम वोलेटाइल है, सल्यूट ज्यादा वोलेटाइल है, तो भी क्या होगा, सल्यूट के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ठीक है। यही होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है बेसिकली, ठीक है, और जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, जो उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे हमारे। तो ये चीज रहती है, तो हम यहाँ पे ये चीज बोलने वाले हैं कि जो पार्शियल प्रेशर रहता है मेरा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर रहता है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, वेपर फेज में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसी वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है इन द सॉल्यूशन। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज ज्यादा, ये चीज हमने बोली, ये राउल्ट्स लॉ बोलता है, ठीक है। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मान लो दो लिक्विड का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, मैंने मान लो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है जैसे, ठीक है, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। अब दोनों वोलेटाइल है तो दोनों वेपर्स बनाएंगे, जैसे ए और बी का ले लिया तो ए भी वेपर्स बनाएगा और बी भी वेपर्स बनाएगा, यानी ए भी क्या करेंगे, प्रेशर लगाएगा, बी भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा अपना, ठीक है, ए भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, बी भी क्या करेगा अपना, प्रेशर लगाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, जो ए वेपर प्रेशर लगाएगा, ए जो पार्शियल प्रेशर लगाएगा और जो बी पार्शियल प्रेशर लगाएगा, वो किस पे एक्सपेंड करेगा, उनके मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। मतलब कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा किसका मोल फ्रैक्शन अंदर ज्यादा है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन अंदर ज्यादा हुआ, ए लिक्विड का अगर मोल फ्रैक्शन अंदर ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ठीक है। और बी का अगर पार्शियल प्रेशर, बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि कौन कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो बी का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो ए का वो भी पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन हम यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं कि दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों आराम से वेपर्स बनाते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर्स बनाते हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जिस चीज का अगर तुम, अगर मान लो वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर तुम उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या है, बढ़ता जाएगा। तुमने ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, ठीक है, ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तुमने ए का मोल फ्रैक्शन कम किया तो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए और बी को कंपेयर करने की बजाय हम सिर्फ ए को देख रहे हैं और हम सिर्फ बी को देख रहे हैं। मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है ना वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। हम इसको बी से कंपेयर नहीं करेंगे, बी का अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है अपना,
ठीक है। बी के केस में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को देख रहे हैं, इंडिविजुअली हमने ए को देखा, हमने क्या बोला, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम करोगे उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ये हो गया। बी को देखा कि बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाया तो बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन कम किया तो ऊपर पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, ये हमारा राउल्ट फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है, ये हमारा राउल्ट फ्लो कहता है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल हो गया, जो पार्शियल प्रेशर हो गया वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो गया हमारा। अब मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट काई आई, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, पी आई नॉट काई आई। यहाँ पे जो मेरा ये क्या हो गया, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर ए का पार्शियल प्रेशर लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, ये लिखूंगा। पी ए नॉट क्या हो गया, अगर ये प्रेशर हो गया प्योर कंपोनेंट का, मतलब ये प्रेशर क्या है मिक्सर के अंदर देख रहे हैं, अगर ए अकेला होता, जैसे इस सिस्टम में है ए अकेला होता तो क्या प्रेशर होता, वो पी ए नोट है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता, ये हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम क्या है पी ए नोट लिखते हैं, मतलब उस कंपोनेंट का प्योर प्रेशर लिखते हैं हम, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो अब जैसे मान लो मेरे को पीबी का लिखना होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना होता, तो मैं क्या लिखता उसका, वो भी क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी के प्रोपोर्शनल होता, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल होता वो, ठीक है बेटा, ये काई ए और काई बी मोल फ्रैक्शंस हैं, हाँ, पी नॉट कॉन्स्टेंट है, पी नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पीबी का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कॉन्स्टेंट मैंने क्या लिखा, पीबी नॉट काई बी, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब यहाँ पे क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी क्या है, राउल्ट फ्लो फॉलो होता है, जो कि ये बोलता है हर एक वोलेटाइल कंपोनेंट कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, अगर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर उसका मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो मैंने वही चीज देखी है, यहाँ पे देखो मैंने वही चीज करी है कि मैंने क्या किया, ए और बी का मिक्सचर ले लिया, ए और बी का मिक्सचर ले लिया मैंने, तो ए भी वेपर्स लगा रहा है, बी भी वेपर्स लगा रहा है, ठीक है, बी भी वेपर्स बना रहा है, ए भी वेपर्स बना रहा है, तो दोनों क्या है अपना अपना वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो वो कितना कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो निकालने का एक तरीका हो गया, ये वाला तरीका हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, वो इसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा, ठीक है, ये चीज रहेगी। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को मैंने किससे लिखा, पीए से लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को मैंने पीए से लिखा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को किससे लिखा मैंने, काई ए से, ठीक है। तो जब मैंने इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो ये क्या आया, ये आया पी ए नॉट काई ए, जहां पे पी ए नॉट मैंने तुमको बता दिया कि पी ए नॉट क्या है मेरा, इट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ऑफ प्योर ए, अगर सिर्फ अकेला ए होता तो वो कितना प्रेशर लगाता, दैट इज द पी ए नॉट, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी, ठीक है। अब हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कि बी कितना प्रेशर लगा रहा होगा वहां पे, तो वो कितना होगा, पीबी क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, बेसिकली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को जैसे हमने ए का निकाला ना वैसे निकाल देंगे हम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, ये हो जाएगा पीबी नॉट काई बी, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी इक्वल नहीं होंगे बेटा, ये ध्यान रखना, पी नॉट ए और पी नॉट बी इक्वल नहीं होंगे, क्यों, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर ए का, और पी नॉट बी जो है हमारा वो क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है किसका, प्योर बी का। अब ए और बी अलग अलग है तो उनका जो प्रेशर भी होगा, वेपर प्रेशर भी होगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हुआ, हमने देख लिया कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है, बी का पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है, ये हमने निकाल लिया।
ठीक है। अब मैं अगर ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर देखना चाहता हूँ इस एरिया में टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो कैसे कैसे लिखूंगा मैं कि टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगा? टोटल प्रेशर इज, ठीक है, टोटल प्रेशर ये हम निकालेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है बेसिकली, ठीक है, जो टोटल प्रेशर होता है सारी गैस, मतलब टोटल प्रेशर जो हम देखते हैं इसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सारी गैसेज के, उनका सम कर दो, ठीक है, सारी गैसेज के पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, वो टोटल प्रेशर वैसे निकलता है। यहाँ पे सिर्फ दो ही गैसेज है, कौन कौन सी, ए गैसेज है और बी गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, ठीक है, यानी P टोटल कितना आ जाएगा मेरा, पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, ये चीज रहेगी, ठीक है। अब मैंने उठा के वन और टू से, फ्रॉम वन एंड टू मैंने क्या करा, इनकी वैल्यूज रख दी, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू मैंने क्या किया, P टोटल में पी ए और पी बी की वैल्यू रख दी। पी ए किसके इक्वल था, पी ए नॉट काइए, पी बी नॉट किसके, पी बी किसके इक्वल था, पी बी नॉट काइबी, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब P टोटल जो निकालूंगा वो क्या होगा, पी ए नॉट काइए होगा। अच्छा, काइबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइबी प्लस काइए मुझे पता है वन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है, तो अगर मैं काइबी को लिखूं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस काइए लिख सकता हूँ, मैं वन माइनस काइए लिख सकता हूँ, है ना, ये चीज हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वही चीज करी, मैंने यहाँ पे वही चीज करी, मैंने क्या किया, पी बी नॉट काइबी को क्या लिख दिया, वन माइनस काइए, ठीक है, इसका रीजन ये दे दिया मैंने कि काइए प्लस काइबी जो होता है वन होता है, और काइबी को हम फिर क्या लिखते हैं, वन माइनस काइए लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, पी टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे निकल सकता है, पी नोट काइए, इसको ओपन कर दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, ये क्या आ गया, पी बी नोट माइनस पी बी नोट काइए, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पी टोटल कैसे कितना आ गया, अब मैंने क्या किया, काइए काइए वालों को एक साथ रख लिया, यहाँ इन दोनों में से काइए कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये चीज आ गई। तो यहां से मेरा क्या आ गया, टोटल प्रेशर का जनरल फॉर्मूला आ गया, ये हो सकता है। तुम चाहते तो तुम काइबी के टर्म में भी कर सकते थे, तुम चाहते तो तुम्हें, मैंने जैसे काइए को चेंज किया, सॉरी यहाँ काइबी को चेंज किया ना, तुम चाहते तो काइए को भी चेंज कर सकते थे, वन माइनस काइबी रख के, तब तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना आ जाता, तब तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना आ जाता, वो आ जाता पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट काइए। अच्छा, सब बच्चे ना अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम्हें वहां पे वो टीचर देख रहे हैं वहां पे, ठीक है, वो अभी तुम्हें मॉनिटर करेंगे, सब अपनी क्लास में हो या नहीं हो, तो तुम सब अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, चलो चलो देखो। तो हम क्या बोल रहे थे, अगर हम काइए को चेंज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे काइबी आ जाएगा, हम काइए को चेंज नहीं करना चाहते, हमने काइबी को चेंज कर दिया, हम दूसरे केस में क्या कर सकते थे, हम क्या है, काइबी को भी, मतलब काइबी को रख के काइए को चेंज कर सकते थे। तो दूसरे केस में जब ये करोगे तो ये वाली चीज आएगी, और अगर काइए को रखना चाह रहे हो तो ये चीज आएगी। बस दोनों में पता ये चल गया, हमें दोनों में एक चीज पता चल गई, हमें दोनों में ये चीज पता चल गई कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और करके लिख रहा हूँ, वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट केस में देखा तो काइए पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड केस में देखा तो काइबी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम यूज करो, तुम्हें ये पता चल गया कि वो डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, एक के मोल फ्रैक्शन पे करेगा, वो काइए का भी हो सकता है, वो काइबी का भी हो सकता है, लेकिन दोनों पे नहीं कर रहा है वो, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हाँ चलो, मैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बता रहा तुम, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अगर, हाँ बोलो, किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो। सर लास्ट वाला जो आपने बताया था, सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा सर टोटल वाला, वो चीज मैं बोला, देखो तुम जब ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, जब तुम क्या है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखो इसमें काइए आ रहा है इस पूरे, देखो पीए नोट कॉन्स्टेंट है, पीए नोट कॉन्स्टेंट होगा ठीक है, पीबी नोट कॉन्स्टेंट होगा ठीक है, पीबी नोट कॉन्स्टेंट होगा। अब ये दोनों चीजें तो कॉन्स्टेंट है, ये तो वेरी करेंगी नहीं, वेरी कौन करेगा, काइए वेरी करेगा, मोल फ्रैक्शन वेरी कर सकता है कि हम ए को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये चीज हुई कि क्या कहते हैं कि काइए और मतलब कि जो टोटल प्रेशर है वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, वो ए के भी हो सकता है, बी के भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो। तुम अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो तुम उसकी डिपेंडेंसी काइए के ऊपर दिखा रहे हो ठीक है, अगर तुम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो नीचे वाला तो तुम उसकी डिपेंडेंसी काइबी के ऊपर दिखा रहे हो ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, डिपेंड मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल प्रेशर है उसको हम किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में उसको हम लिख सकते हैं ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया ठीक है। चलो अब हम फॉर्म चेंज कर दी ना, वरना पहले स्टार्टिंग फॉर्मूले में तो काइए और काइबी दोनों थे, तो आपने उसको डिपेंड तो दोनों ही कर रहे होंगे ना सर। हाँ नहीं नहीं डिपेंड दोनों पे ही कर रहा है वो, ऑब्वियसली बात है, काइए अगर तुम जैसे करोगे मतलब काइए अगर तुम बढ़ाओगे तो काई भी कम होगा, वो डिपेंड तो ऐसे करेगा ही दोनों पे। मैं फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको लिख एक की टर्म में सकते हैं हम, लिख हम या काइए की टर्म्स में लिख सकते हैं या काइबी की टर्म्स में लिख सकते हैं सर, डिपेंड दोनों कर रहे हैं ना। हाँ 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 चलो देखो, अब अगर मान लो, अब अगर मान लो अगर हम बात करें जैसे अब अगर हम बात करें, अब हम इनके ग्राफ की बात करते हैं, अगर हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, हमारे पास ना तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन कौन कौन सी आ गई, पहली आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए है वो किसके इक्वल होता है, प्योर के प्रेशर के इक्वल और काइए के इक्वल ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल होता है, प्योर बी के प्रेशर इंटू काइबी के वो होता है ठीक है। और जो टोटल प्रेशर होता है, मैंने कोई एक इक्वेशन उठा ली उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, मैंने मान लिया काइबी वाली उठा ली, ये क्या है पी ए नॉट प्लस पीबी नोट माइनस पी ए नोट काइबी, ये चीज हो गई मेरी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे ग्राफ आते हैं। ठीक है ये चीज हो गई, मैंने क्या किया, मैंने किसको प्लॉट किया, वेपर प्रेशर को ठीक है, मैंने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मैंने क्या किया वर्सेस मोल फ्रैक्शन किया ठीक है। चलो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को अपलोड करता हूँ ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को अपलोड करता हूँ, देखते हैं क्या रहती है इक्वेशन फर्स्ट की अगर मैं प्लॉट करूँ। तो देखो फर्स्ट को अगर मैं देखूँ तो मैं क्या y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, जहां पे y क्या है मेरा पीए है और x क्या है मेरा काइए है ठीक है। अगर मैं जैसे मैथ्स में इक्वेशन यूज करते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो उसके हिसाब से देखो तो ये y is equal to mx बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इक्वेशन y is equal to mx की फॉर्म की इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, जो है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा कहां से, मतलब कि देखो जरा कैसे। अब जैसे मान लो मेरा यहाँ काइए है, काइए मैंने यहाँ पे वन ले लिया, मोल फ्रैक्शन वन ले लिया, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो काइए क्या हो जाएगा जीरो, काइए को मैं जीरो पे लेके जा रहा हूँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन कम करता जा रहा हूँ, मतलब अगर काइए यहाँ पे वन है तो काइबी यहाँ कितना होगा जीरो होगा और यहाँ काइबी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ये चीज समझ में आई जो नीचे लिखी है मैंने, बस मैंने ये किया है मैं काइए वन से स्टार्ट कर रहा हूँ और काइए जीरो तक जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग काइबी क्या हो जाएगा, जब पूरा का पूरा ए है यहाँ पे तो बी तो जीरो रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो होगा, लेकिन जब हम इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता रहेगा, वो वन की तरफ अप्रोच करेगा और जो काइए है वो कम होता जाएगा, वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। पहले तो ये लेबलिंग कर दी मैंने, अब हम चलते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करते हैं। देखो अगर मेरा काइए वन है तो मुझे ये बताओ पार्शियल प्रेशर कितना होगा मेरा ए का, अगर मेरा काइए वन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना जीरो, इस पॉइंट पे काइए वन है मेरा ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा काइए वन है तो मुझे ये बताओ जो पीए कितना होगा मेरा, पी नोट ए होगा, पी नोट ए होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड पी नोट ए होगा। तो मान लो मैंने यहाँ मान लिया पी नोट ए मान लिया ठीक है, ये मेरा पी नोट ए हो गया, तो एक पॉइंट पे ये आ गया। अब मुझे ये बताओ जब मेरा काइए जीरो होगा तो पी नो पी ए कितना होगा, जब मेरा काइए जीरो होगा तो पी ए कितना होगा, जीरो पी नोट जीरो जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा। हम पहले इक्वेशन को पी ए तो जीरो होगा सर,
सी ए जीरो हो जाएगा। तो हम अभी इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा मेरा, है ना, सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा मेरा, दोनों को क्या कर दूंगा ज्वाइन कर दूंगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, बन गया। ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ किसका है बेसिकली, ये ग्राफ है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ, रिपीट करना सर ये वाला, हाँ बताता हूँ अभी बताता हूँ, देखो पार्शियल प्रेशर देखो मैंने क्या बोला, मेरी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट को देखो ध्यान से, अगर मैं काइए वन रखता हूँ तो मेरा पीए कितना आता है, पीए नोट के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया, काइए जीरो यहाँ पे है और पीए नोट यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो पीए नोट यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया एक मैंने। अब मैंने क्या कहा, काइए अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखो फिर से, अगर मैंने काइए जीरो रखा तो पीए भी जीरो हो जाएगा, यानी वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना एंड पे, ये आएगा। दो पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, मैंने बना दी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात हो गई। देखो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, काइए देखो लेफ्ट टू राइट जाते हुए, अगर लेबलिंग पे देखो जरा ध्यान से, काइए क्या है यहाँ से वन से कहाँ जा रहा है, काइए क्या है जीरो पे जा रहा है, तो इसलिए हमारा पार्शियल प्रेशर भी क्या है डिक्रीज हो रहा है। यही तो राउल्ट फ्लो कहता है कि अगर तुम मोल फ्रैक्शन कम करोगे तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर तुम इसको उल्टे डायरेक्शन में देखो, ये देखो इसको इस डायरेक्शन में देखो, तो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तुम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, काइए बढ़ रहा है, तो काइए बढ़ रहा है तो तुम्हारा प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। फिर देखो राउल्ट फ्लो यही तो बोलता है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, यही चीज है, ठीक है। चलो अब हम इक्वेशन सेकंड को प्लॉट करते हैं, अब हम इक्वेशन सेकंड को प्लॉट करते हैं, इक्वेशन सेकंड है हमारी ये वाली पीबी का, अब प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी को प्लॉट करते हैं हम, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज लेके चलते हैं, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट की काई भी जीरो है, इस पॉइंट को देखो इधर, इस पॉइंट को देखो, ये काई भी जीरो वाला, ठीक है, इनिशियल पॉइंट को देखते, काई भी जीरो है तो पीबी कितना हो जाएगा फिर, जीरो जीरो जीरो, यानी वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ लाई करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एंड पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर काई भी वन है, अगर मैं ये वाली कंडीशन लेके चलता हूँ, तो काई भी वन है तो पीबी कितना होगा, पीबी नोट, पीबी नोट, ठीक है। अब पीबी नोट कहाँ हो सकता है, देखो पीबी नोट कहाँ है, पीबी नोट कहाँ हो सकता है, या तो पीए से बड़ा हो सकता है, पीए नोट से, मतलब यहाँ मैंने पीए नोट लगाया था तो पीबी नोट कहीं यहाँ हो सकता है, है ना, और पीवी नोट क्या है, छोटा भी हो सकता है पीए नोट से, वो डिपेंड करेगा कैसे सॉल्वेंट है कैसे नहीं है। तो मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ, एज्यूम मैं ये करके चल रहा हूँ कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये, तो अगर काइबी में देखो तो ये कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, पीवी नोट क्या है यहाँ आएगा कहीं, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर से मुझको दो पॉइंट मिल गए, फिर से मुझको दो पॉइंट मिल गए, मैंने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ गया, ये मेरा किसका कर्व हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का कर्व हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का कर्व हो गया, ठीक है, ये चीज समझ में आई। मैंने क्या कहा, ये पीबी नोट कम भी हो सकता था, अगर पीबी नोट कम होता, देखो मैं दिखाता हूं, अगर पीबी नोट कम होता तो ये यहाँ आता कहीं, ठीक है, मान लो यहाँ आ जाता, पीए नोट से तो कम ही होगा ना, तो यहाँ आ जाता कहीं पे, ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो डिपेंड करेगा हम क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो अपने फॉर्मूले में हो जाएगा वो तो। हाँ क्या हुआ, पीए नोट सर, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो सर, जो इसमें एक्स से जब जीरो थी, पीए नोट नहीं, ऊपर ये पीए नोट कैसे आया सर, काइए काइए जब जीरो था, यस सर, तो बेटा काइए जब जीरो था, बेटा मेरे को समझ नहीं आ रहा, साफ बोलो क्या कह रहे हो सर, इसमें आपने पॉइंट नहीं लिखा है पीए नोट, हाँ ये कैसे आया सर, वो तो उसमें था ज़ूम कर लिया, फिर ये कैसे लिखा, नहीं नहीं देखो देखो तुम समझे नहीं हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पीए ये वाला पॉइंट कैसे आया, ये मैंने देखो क्या मेरे को पता है कि पीए क्या है, पीए नोट काइए के बराबर होता है, ठीक है, जब मैंने काइए वन ले लिया तो पीए क्या आ गया, पीए नोट के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कि यहाँ पीए नोट है, बस एक कोई रैंडम पॉइंट मान ले कि यहाँ होगा पीए नोट, मान लेते कि यहाँ लाई कर रहा है वो, ठीक है ना, ये चीज हो गई, हाँ ये चीज है, ठीक है ये चीज हो गई। अच्छा अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो पीवी नोट छोटा होता पीए नोट से, तो वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता फिर, है ना, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता, लेकिन वो हमने अज्यूम क्या किया ज्यादा वाला, तुम छोटा भी कर सकते, वो तो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या लिया हुआ बेसिकली, उसने कैसा सॉल्वेंट ले रखा है, कम पार्शियल प्रेशर वाला ले रखा है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर वाला ले रखा है, वो चीज है, ठीक है। चलो देखो ये चीज हो गई, अब हम प्लॉट करते हैं थर्ड इक्वेशन को, ये हमारी क्या है थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखना, देखो पीटी इज इक्वल टू पीवी नोट माइनस पीए नोट काई बी
प्लस पी ए नोट। ठीक है, ये देखो मुझे ये बताओ, देखो अब टोटल प्रेशर को प्लॉट करते हैं हम, मुझे ये बताओ जब मेरा काई भी अगर जीरो होगा तो पीटी किसके इक्वल होगा? पी ए नोट। पी नोट ए के इक्वल होगा क्योंकि ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, पी ए नोट बचेगा, तो पीटी किसके इक्वल आ गया? पी ए नोट के, तो काई भी यहाँ जीरो था, यहाँ पे तो यहाँ पे पी ए नोट के बराबर आ गया वो, है ना? यस सर। हो गई। अब मुझे ये बताओ अगर मेरा काई भी वन होता, अगर मेरा काई भी वन होता तो पी टोटल कितना होता बताओ? सोल्व करो, क्या आ जाता? पी बी नोट माइनस पी ए नोट नोट आ जाता। तो यानी काई भी वन यहाँ पे है, राइट साइड में देखो यहाँ पे है, तो पी बी नोट के बराबर होता है। यहाँ पे दो पॉइंट फिर से मिल गए मेरे को, तो मैंने फिर से इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये मेरा क्या आ गया? टोटल। ये मेरा क्या आ गया? टोटल प्रेशर का कर्व आ गया, ये पी टोटल का कर्व आ गया। यस सर। ये समझ में आया? यस सर। एक बार और। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो काईबी के रिस्पेक्ट में देखा, क्योंकि काईबी था ना मेरे पास, तो मैंने ये लिया काईबी अगर जीरो होता तो काईबी जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती, तो पीटी क्या बचता? सिर्फ और सिर्फ पीए नोट बचता। तो यानी काईबी जीरो के साथ पीए नोट वैल्यू मैच हो रही है, तो काईबी जीरो यहाँ था, पीए नोट यहाँ था, तो यानी काईबी जीरो पे ये वैल्यू आ रही है, रेड वाली लेफ्ट साइड की जो वाई एक्सिस पे रेड वाली जो है। ठीक है, फिर मैंने काईबी इक्वल टू वन लिया, तो मैंने जब काईबी वन लिया, यहाँ पे वन रखा जब, तो मैंने सोल्व किया, तो मेरा सिर्फ पीबी नोट बचा, पीए नोट से पीए नोट कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? पीबी नोट बचा। यानी काईबी वन पे क्या वैल्यू आ रही है? रेड वाली पीबी नोट आ रही है टोटल प्रेशर की। तो इनको ज्वाइन कर दे तो ये टोटल प्रेशर का कर्व हो गया मेरा। ठीक है, ये टोटल प्रेशर का कर्व हो गया। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन लिखी थी ना मैंने, ये भी तो स्ट्रेट लाइन आई है कि नहीं आई है? ये भी स्टेट लाइन आई है ना, तो इसका मतलब ये भी किसी स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये भी yes, किसी state line, और ये किस स्टेट को लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? y is equal to mx plus c को रिप्रेजेंट कर रही है ये। सर ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या? यस सर। ठीक है, ये हो गया, ये y is equal to mx plus c को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी। अब देखो m क्या होता है, तुम्हें पता है m क्या होता है? m होता है स्लोप। स्लोप सर। स्लोप और c कांस्टेंट। अब देखो स्लोप जो है बेसिकली वो दो चीजें हो सकती थी। स्लोप क्या है? दो चीजें हो सकती थी। स्लोप क्या निकली हमारी? देखो स्लोप क्या निकली? एम पी बी नोट, एम इज इक्वल टू क्या आया? पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो पी बी नोट ज्यादा होता पी ए नोट से, तो स्लोप कैसी आती? पॉजिटिव आती, है ना? और अगर पी बी नोट कम होता पी ए नोट से, तो स्लोप कैसी आती? नेगेटिव आती। यही चीज है कि नहीं है? अभी ग्राफ कैसे जा रहा है? पी टोटल का ग्राफ देखो, इंक्रीजिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इंक्रीजिंग जा रहा है, इसका मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव है। वो क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि पीवी नोट इस पीए नोट से बड़ा था, इसलिए। और यहाँ पे देखो जब पीवी नोट पीए नोट से बड़ा होगा तो जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मैंने अगर मान लो यहाँ पे लिया होता, ये ब्लैक वाला डॉट देखो ग्राफ के ऊपर, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला डॉट देखो, ये वाला। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पीबी नोट लिया होता पीए नोट से कम, तो ग्राफ कैसे नीचे की तरफ आता कि नहीं आता? नीचे, डाउन डाउन सर। वही चीज, अगर मैं मतलब क्या केस लेता, मैं पीबी नोट छोटा ले लेता, तो मेरी स्लोप क्या है? नेगेटिव आ जाती। मेरी स्लोप क्या है? नेगेटिव आ जाती। यहां से एक चीज निकल के सामने आई कि पी टोटल का बढ़ना या कम होना किस पे डिपेंड कर रहा है? पी नोट क्यों, मतलब कि अगर पी नोट ए केस में बढ़ रहा है, पी नोट ए केस में, पी टोटल ए केस में कम हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पीबी नोट के ऊपर। वो पीबी नोट और पीए नोट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी टोटल प्रेशर का बढ़ना या टोटल प्रेशर का कम होना मोल फ्रैक्शन के साथ वो डिपेंड कर रहा है किस पे? प्योर कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितने है, वेपर प्रेशर कितना होगा? ठीक है, उस पे डिपेंड कर रही है वो चीज। यहाँ ये चीज क्लियर हुई? यस सर। चलो ये चीज हो गई हमारी। सर कंपोनेंट्स दो से ज्यादा हुए फिर? हाँ बेटा, अभी यहाँ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें, हम एक से ज्यादा कंपोनेंट, हम दो तीन कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, वो तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, हम बाइनरी सॉल्यूशंस की डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सर ये वैल्यूज इसीलिए पढ़ रहे हैं, मतलब ग्राफ के लिए, कि मतलब अगर नेगेटिव होगी तो नीचे बनेगा उस पी ए से पी बी? नहीं, मतलब हाँ वही चीज देखने का, मतलब हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा ग्राफ इंक्रीजिंग क्यों आया। तो मैंने यही बोला ना, क्योंकि मैंने पीवी नोट, देखो मैंने वही इक्वेशन से समझाया तुमको,
कि स्लोप क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है, और हमने पीवी नोट ज्यादा लिया है तो स्लोप क्या है पॉजिटिव आएगी, इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है। अगर पीवी नोट कम हो जाता तो स्लोप क्या है नेगेटिव आ जाती थी। पार्शियल प्रेशर कुछ भी उस पर डिपेंड नहीं करता, वेपर पे करता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर कुछ भी, देखो पूरी इक्वेशन में कहीं भी पार्शियल प्रेशर नहीं आ रहा है ना, पी टोटल में ध्यान से देखो सारे क्या है, प्योर कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहे हो। ओके सर, ठीक है, चलो सर हम मूल फ्रैक्शन हो गई सर, ये फ्रैक्शन आया ए और बी का पार्शियल प्रेशर का, ये क्या है सर? क्या बोल रहे हो सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ इंटरसेक्शन वाली बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही इंटरसेक्ट करें कि हाँ ये मोल फ्रैक्शन पे क्या होगा, जब ये वाला मोल फ्रैक्शन होगा तो ए का और पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाएगा, बस ये चीज हो जाएगी। जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां से ये तो निकालोगे कि उस मोल फ्रैक्शन पे, उस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी पे दोनों के प्रेशर पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे, ये चीज रहेगी। चलो अच्छा, ये चीज हो गई। अब इसमें देखो एक चीज तो ये हो गई कि ठीक है, अभी हमारा क्या था, मैं अभी चलो यहाँ तक क्लियर हुआ है, अब हम देखते हैं। देखो जरा क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखना, ये मैंने लिक्विड लिया था जैसे, ठीक है, यहाँ मैंने बोले थे दो लिक्विड है ए और बी, यहाँ क्या है ये लिक्विड फेज है, ये ए और बी क्या है लिक्विड फेज में है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है वेपर फेज में है, ठीक है, वो कैसे है वेपर फेज में है, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है, ये वेपर फेज में है। अब देखो, अब हमें क्या पता है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बताओ, काई ए बताओ और काई बी बताओ कितना होगा, तो तुम इजीली निकाल दोगे। तुम कैसे निकाल दोगे? राउल्ट्स लॉ लगा के। राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं कि पी ए नोट, पी ए बाई पी ए नोट काई ए होता है, पी ए इज इक्वल टू पी बी नोट काई बी होता है। तो तुमसे अगर मैं पूछ लूं कि मोल फ्रैक्शन निकाल लो लिक्विड फेज में, तुम निकाल दोगे कि सर काई ए निकालना है ना, तो काई ए तो निकल आएगा। देखो कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। काई भी निकालना हो, काई भी निकालना हो तो कैसे निकाल दोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ऐसे निकाल दोगे, ये तो इजी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन बात आती है कि देखो ए और बी वेपर फेज में भी तो पड़े हैं, ए और बी तो वेपर फेज में भी तो गए हुए हैं, वो तुमसे क्या है वेपर फेज की भी कंपोजिशन पूछ सकता है, वो तुमसे वेपर फेज की कंपोजिशन भी पूछ सकता है। मतलब वो तुमसे क्या पूछ सकता है कि ये बताओ वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है बी का, वाई और वाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम। सर तो जितना लिक्विड में होगा सर उतना ही वेपर में होना चाहिए सर? नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए सर, कुछ लिक्विड तो बचेगा ना उसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जितना लिक्विड में होगा उतना ही होगा, उसका अलग होगा। उसको निकालते कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है उसको। देखो उसको निकालना कैसे है वेपर फेज में, अगर वेपर फेज में तो हमने ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा हुआ है। यस सर, ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बताओ? टोटल सम के इक्वल उसका वो टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर, फॉर्मूला फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन की टर्म में फॉर्मूला क्या होता है उसका? मोल फ्रैक्शन आया कहाँ पे, कहीं पे मोल फ्रैक्शन आया उसमें? वो वाला सर, वो वाला बता, पी ए इज इक्वल टू सर पी ए नॉट और एक्स ए, क्या कर रहे हैं देखो ये होता है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, मतलब जो डेरिवेशन करते तो उसमें ये चीज निकल के आती है कि जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा ना वो किसके इक्वल होता है? टोटल प्रेशर इंटू वाई ए, ये डाल्टन जो कहता है, ठीक है, वाई ए के इक्वल होगा। पीबी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल इनटू वाई बी, ठीक है। अब तुम्हें उसमें पूछ ले वाई ए निकालो, यानी वेपर फेज की कंपोजिशन निकालो वाई ए और वाई बी, तो कैसे निकाल दोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सिद्धांत कर दोगे, सिद्धांत म्यूट कर ले भाई, भाई म्यूट है मेरे पहले से। वाई ए क्या सर? वाई ए बताता हूँ मैं, एक मिनट रुको। वाई ए क्या है, देखो वाई बी, वाई ए क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, ऑफ ए, ये किसका है? मोल फ्रैक्शन है ऑफ बी
इन वेपर फेज। अभी मैं फिर से तुम्हारा ये दोबारा बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो देखो मैंने क्या कहा तुम्हें कि जब हम लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है लिक्विड के अंदर भी ए और बी पड़े हैं और वेपर फेज में भी ए और बी पड़े हैं, ठीक है। अब वो तुमसे ना दोनों चीजें पूछ सकता है, तुमसे दोनों चीज ये पूछ सकता है कि लिक्विड फेज के अंदर ए और बी बताओ कितना है और वेपर फेज के अंदर बताओ ए और बी कितना है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें लिक्विड फेज के अंदर पूछने आ जाए कि अगर लिक्विड फेज के अंदर ए और बी निकालना है तो तुम्हें क्या है राउट फ्लो लगाने पड़ेंगे। तुम क्या है ये लगाओगे काई ए निकालना है और काई बी निकालना है अगर, तो तुम्हें राउट फ्लो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं पार्शियल प्रेशर को डिवाइड कर देते हैं किससे, प्योर प्रेशर से, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हैं अगर लिक्विड फेस में लगाना है हमें, तो लिक्विड फेस में हम ऐसी कंपोजिशन निकालते हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर वो तुमसे वेपर फेस में कंपोजिशन पूछता है, अगर तुमसे पूछता है गैसियस फेस में निकालो, मतलब वेपर फेस में ए और बी बताओ, तो वो तुमसे क्या पूछेगा वाई ए और वाई बी पूछ रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज वाई बी, वो तुमसे वाई ए और वाई बी पूछ रहा है, ठीक है, वाई ए और वाई बी पूछ रहा है। तो तब तुम क्या करोगे, तब तुम कैसे निकालोगे, तब तुम कैसे निकालोगे, ये वेपर फेज के लिए है हमारा, ठीक है, ये वेपर फेज के लिए फॉर्मूला लगाना है। तब तुम कैसे निकालोगे, तब तुम निकालोगे पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जिसका भी निकालना है उसका और डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। और जब तुम्हें मान लो लिक्विड फेज में निकालना हो तो तुम क्या करो उसका पार्शियल प्रेशर ले लो और उसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ले लो, उसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ले लो, तब तुम क्या है अपना मोल फ्रैक्शन निकालोगे लिक्विड फेज में। और अगर तो तुमसे वेपर फेज में पूछ ले तो तुम्हें ये डाल्टन फ्लो के अकॉर्डिंग निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए वो मतलब थोड़ा ध्यान देना कि तुमसे क्या पूछा गया है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या कह रहे हैं हम, हाँ लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि ए और बी क्या है लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं, ए और बी क्या है वेपर फेज में भी प्रेजेंट होंगे। अब वो ना तुमसे दो चीजें पूछ सकता है, ये बताओ ए और बी का लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या है, ए और बी का वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए और बी का लिक्विड फेज में कंपोजिशन देखना है तुमको, ठीक है, तो तुम्हें कैसे करना पड़ेगा लिक्विड फेज में अगर देखना है तो तुमको कैसे करना पड़ेगा, तुम्हें ये राउट फ्लो से करना पड़ेगा, राउट फ्लो लगा के तुम्हें कंपोजिशन निकालना पड़ेगा काई ए और काई बी। जहां पे क्या करते हैं, अगर मान लो काई ए निकालना है तो उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय उसका प्योर का प्रेशर, अगर काई बी निकालना है तो उसका प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर और डिवाइड बाय उसका प्योर का मतलब प्योर का प्रेशर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जनरल फॉर्मूला, ये चीज जैसे ये लिक्विड फेज के लिए लग गई। लेकिन अगर मान लो तुम्हें वेपर फेज में पूछ लिया जाए, अगर तुम्हें वेपर फेज में पूछ लिया जाए तो तुम्हें क्या करना है वहां पे, फिर कैसे निकालना है पार्शियल प्रेशर लेना, जैसे मान लो ए का पूछ लिया वेपर फेज में, तो पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर करना है तुमको, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर करना है तुमको, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मान लो बी का पूछ लिया तो डिवाइड बाय टोटल प्रेशर करना है, तो ये चीज ये हम वहाँ पढ़ते हैं डाल्टन लॉ ऑफ जब पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं तो वहाँ निकल के आती है ये चीज कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, पहले तो बात है गैसेस के लिए लगता है, सिर्फ गैसेस के लिए लगता है, तो लिक्विड में मत लगाना, तो गैसेस में जब हम करते हैं तो वहाँ निकल के आता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो क्या होता है टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। यस सर, वाई ए जो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट है, मतलब हाँ वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर, वोलेटाइल उसके अंदर हमारा क्या है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या है, हमने जब वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारा ये वेपर प्रेशर का सारा निकल के आता है कि ये कहानी रहती है कि वेपर प्रेशर टोटल निकाल सकते हैं, हर एक का इंडिविजुअली वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर जिनको बोलते हैं, फिर हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं सबको ऐड करके, ठीक है, फिर उससे क्या क्या पता चलता है, हम ये बात कर रहे हैं, क्लियर हुई यहाँ तक, किसी को डाउट हो तो बोलो। No, sir. तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ देखो, पीबी नोट माइनस पीए नोट काई बी प्लस पीए नोट,
सही है, वेपर वाला में भी यही है। कलेक्टर वाले का मतलब वेपर जो यहां पे जो फार्मूला सर वेपर वाले के लिए नहीं है सर, PA इक्वल टू PA नॉट P टोटल, देखो P टोटल इसमें वही है जो वहां निकाला है, वो P टोटल तो वही रहेगा ना, क्योंकि वो गैसेस का तो टोटल प्रेशर आ रहा है ना, तो P टोटल वही रहेगा वहां पे। और पार्शियल प्रेशर भी दोनों में सेम ही है, जो लिक्विड फेज में पार्शियल प्रेशर है वो गैसेस फेज के लिए वही पार्शियल प्रेशर रहेगा। और सर आप वहां पे साई ए लिखे है सर, कहां पे आप काइये लिखा है, जहाँ पे लिक्विड फेज के लिए काइये काई भी यूज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, और इसके लिए वाई और वाई भी यूज कर रहे हैं हम, तो बस कंपोजिशन चेंज होगा। लिक्विड फेज के लिए काई और ये वाई किसके लिए बोल रहे थे आप? वेपर फेज के लिए। तो सर टोटल टोटल प्रेशर निकालेंगे वहां पे काइये के जगह पे वाई नहीं आ जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, अरे बेटा देखो मुझे ये बताओ, टोटल प्रेशर तो देखो, टोटल प्रेशर तो किसकी वजह से निकल रहा है? टोटल प्रेशर निकल तो इसी की वजह से रहा है ना, मतलब ए और बी की वजह से निकल रहा है। और वो कब बन रहा है? वो जो मोल फ्रैक्शन अंदर से आ रहा है उसकी वजह से देख रहे हैं हम। ये जो हमने टोटल प्रेशर निकाला है ना, देखो ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है, बेसिकली अंदर मोल फ्रैक्शन की हेल्प से निकाला है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मान लो टोटल प्रेशर लग रहा है 10 atm लग रहा है, मान लो हमने अंदर की हेल्प से निकाल लिया। अगर हम बाहर की हेल्प से भी निकालते, चलो हम वाई और वाई बी की हेल्प से भी निकालते, वो क्या 10 atm से चेंज थोड़ी हो जाता? वो रहता तो 10 atm ही ना, सेम ही बात है सर, है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए इसलिए हमने वाई ए की टर्म में नहीं निकाला, हमने क्या है काई ए की टर्म में निकाल दिया उसको। रहना तो उसने 10 atmosphere ही है ना, चाहे तुम अंदर से निकालो चाहे बाहर से निकालो, पार्शियल प्रेशर तो वही रहना है ना, मतलब टोटल प्रेशर तो वही रहेगा 10 atm, ठीक है। तो इसलिए बस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने काइये के रिप्रेजेंट में देख लिया टोटल प्रेशर निकालने का, ये फॉर्मूला हो गया बस, और क्या, ठीक है। अगर हमें वाई ए वाई भी दिया होता, वाई ए वाई भी दिया होता, टोटल पहले पार्शियल प्रेशर दिया होता, तो हम टोटल प्रेशर वहां से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने तो अभी सोल्यूशन के बारे में बात करनी है, हमें गैसेज पे नहीं जाना है। हमें जो वाई ए वाई भी यूज करते हैं वो तो गैसेज में यूज करते हैं टोटल निकालने के लिए, हमें तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करनी है, इसलिए हमने काइये काईबी के रिप्रेजेंट में उसके फॉर्म में देखा कि हम वहां से भी टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। इट इज क्लियर हुई? यस सर। चलो अब चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम एक बार, ठीक है। चलो देखो अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने क्या बोला, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला कि हमने नॉन हमने वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो दोनों ही वेपराइज कर रहे थे, सॉल्यूट भी वेपराइज कर रहा था, सॉल्वेंट भी वेपराइज कर रहा था। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। यानी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड को, ठीक है, जहां पे लिक्विड क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और जहां पे सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारा, यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये हमारा। अब देखो जरा क्या रहता है, देखते हैं कि क्या इफेक्ट करता है सॉलिड, मतलब कि उसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो मेरे पास क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड सॉल्वेंट मैंने मान लो ये बी ले लिया मैंने, और सॉल्यूट क्या है, ए ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, बी लिक्विड है, ये मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया इसको, ये चीज हो गई, मेरे पास क्या है, बी लिक्विड है सिर्फ। तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड वोलेटाइल है, तो वो क्या करेगा, कुछ वेपर्स बनाएगा, ठीक है, वो कुछ वेपर्स बनाएगा। कैसे, कि लिक्विड के, तुमने पता है कि वेपर्स कैसे बनते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस पड़ा हुआ है, कि होता क्या है, सरफेस से लिक्विड उठ के वो क्या है, वेपर्स बन जाते हैं। ये सरफेस पे लिक्विड है, ठीक है, ये उठ के क्या है, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा सा दिखा देता हूँ, ये कि सरफेस से लिक्विड उठ के, ये सरफेस से लिक्विड है, ठीक है, ये उठ के क्या कर रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज होती है, हमने वेपोरेशन में यही पढ़ा है। तो ये मैंने अभी प्योर लिक्विड लिया, तो वो सरफेस से उठ के क्या है, वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि वेपर प्रेशर क्या है मेरा, मतलब वेपर प्रेशर वन नाम दे दिया इसको, कि यहाँ पे वेपर प्रेशर वन है प्योर लिक्विड के केस में, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट केस क्या लिया, मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया इसके अंदर, मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया इसके अंदर,
तो मेरा ये लिक्विड है, ठीक है, फिर से सरफेस पे लिक्विड होंगे, फिर से सरफेस पे लिक्विड होंगे, ठीक है, फिर से सरफेस पे लिक्विड होंगे। अब सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल के साथ साथ को किसके पार्टिकल होंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, जब मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जब मैंने, तो देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे सरफेस पे क्या थे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड थे एक केस में, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिर्फ सरफेस पे क्या थे, लिक्विड के पार्टिकल्स थे। जब मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया तो हुआ क्या, लिक्विड के पार्टिकल के साथ साथ क्या हुआ, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ गए। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे भी वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे भी वेपर्स बनेंगे, ये फर्स्ट केस था प्योर लिक्विड का, ठीक है, ये फर्स्ट केस था प्योर लिक्विड का, ये किसका है, सोल्यूशन का है, ये सोल्यूशन का है सेकेंड केस। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वेपर प्रेशर फर्स्ट केस में ज्यादा होगा या सेकंड केस में ज्यादा होगा, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, वो देखेंगे अगर हम, तो वो देखेंगे हमारा फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है वेपर्स कितने बन रहे हैं, बस सीधी सी बात है, ठीक है, वेपर्स कितने बन रहे हैं। अब देखो लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर मान लो सारे वेपर्स लिक्विड के हैं, सारे पार्टिकल्स जो है लिक्विड के हैं, तो सारे के सारे वेपराइज करेंगे, सारे सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वेपराइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अब क्या है, सरफेस के पार्टिकल्स लिक्विड के भी हैं, साथ में सॉलिड के भी हैं, ठीक है, साथ में सॉलिड के भी हैं, साथ में सॉलिड के भी हैं, तो क्या होगा, अब क्या है, लिक्विड के वेपर्स कम हो जाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए, ठीक है। अरे मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मैं मान लो एक मतलब कि बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर ग्रीन बॉल्स रख रहा हूं मैं, ठीक है, ग्रीन बॉल रख रहा हूं, तो ग्रीन बॉल का नंबर ज्यादा होगा, तो ग्रीन बॉल क्या है, मान लो सारी की सारी वेपराइज होनी है, ठीक है, वो क्या है, वेपर्स बना दी है। अब मैंने क्या कर दिया, ग्रीन बॉल के साथ क्या कर दिया, रेड बॉल्स भी रख दी उसी बॉक्स में, तो मुझे ये बताओ ग्रीन बॉल का नंबर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, नंबर उसका अब क्या है, कम हो जाएगा। मान लो अगर पहले 10 बॉल आ रही है ग्रीन, अब मैंने जब उसके साथ रेड बॉल भी रख दी, मान लो 3-4 कुछ तो रेड बॉल रखी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या है, कम हो जाएंगी। अब जब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा उसका जो वेपराइजेशन होगा वो भी, वेपर्स बनेंगे वो भी कम बनेंगे, और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज बताना चाह रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं। मान लो जैसे ये लिक्विड का सरफेस था, यहाँ पे क्या है, पहले सारे पार्टिकल्स जो थे वो लिक्विड के थे, यानी सॉल्वेंट के थे, जो कि वोलेटाइल था। अब मैंने क्या किया, ये सरफेस लिया लिक्विड का, फिर से यहाँ क्या हुआ, इसके अंदर मैंने सॉलिड ऐड कर दिया, तो होगा क्या, अब लिक्विड के साथ साथ क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स भी पड़े हैं, ये ब्लू वाले सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए, बीच में क्या हो गए, लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए मेरे, ठीक है। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा है सरफेस पे एक केस में, ठीक है, नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स जो है इस केस में क्या है, ये सेकंड केस है और ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में लिक्विड पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा है, ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, पार्टिकल्स कम हो गए लिक्विड के, क्योंकि क्या हुआ, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेपर्स ज्यादा बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो पार्टिकल्स है वो सारे वेपराइज करेंगे, तो यहाँ पे वेपर्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, यहाँ पे वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बने तो वेपर प्रेशर भी कम होगा कि नहीं होगा, और अगर वेपर ज्यादा बने तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये चीज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आई कि जब भी हम व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज क्या है, आगे हम बहुत काम आएगी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा,
ठीक है, सॉल्वेंट की वजह से होगा वेपर प्रेशर, यानी जो कहानी अभी ऊपर पड़ी थी ना हमने कि ए और बी दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर प्रेशर लगा रहे हैं तो टोटल प्रेशर निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट वेपराइज हो रहा है तो वो भी सॉल्वेंट है, तो जो भी हमारा रहेगा वो प्रेशर जो रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, सॉल्वेंट की वजह से रहेगा, और जब उस पर राउंड फ्लो लगाएंगे तो क्या आएगा पी सॉल्वेंट इंटू काई ऑफ सॉल्वेंट, बस ये इक्वेशन लगेगी। मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मैंने ऊपर वाले केस में तीन इक्वेशन यूज करी थी, कौन सी ये वाली, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एक टोटल प्रेशर। अब यहाँ केस में क्या हुआ, सिर्फ एक ही कंपोनेंट क्या है वोलेटाइल है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट क्या है यहाँ पे वोलेटाइल है हमारा, ठीक है ये चीज हो गई।